हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन गिवन है फ्लैट वार्मस आर मोस्टली एंडोपैरासाइड्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सो फ्लैट वार्म की अगर हम बात करें फ्लैटी हेलमेंथी फ़ाइलम फ्लैटी हेलमेंथी फाइलम को फ्लैट वार्म कहा जाता है क्यों कहा जाता है इनको फ्लैट वॉर्म क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो डॉसो वेंट्रली फ्लैट एंड होती है मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से क्या होती है फ्लैट होती है ठीक है इसीलिए इनको क्या कहा जाता है फ्लैट वॉर्म कहा जाता है मोस्टली एंडोपेरासाइड्स होते हैं यानी अंदर अंदर की तरफ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं एंडो मतलब अंदर की तरफ रहते हैं ठीक है अब इंक्लूडिंग ह्यूमन वीस तो ह्यूमन में भी रहते हैं क्लियर हो गई है बात जैसे फॉर एग्जाम्पल टेप की हम बात करें तो हमारे अंदर प्रेजेंट हो सकता है वो के हमारे अंदर अगर चला गया है तो ऑब्वियसली एंडो पेरासाइट की तरह रहेगा सिमिलरली लिवर फ्लूक ये भी क्या है एंडोपेरासाइट है तो इनका ये जो एंडोपेरासाइट जो इनकी क्वालिटी है या हम बोल सकते हैं इनका जो फीचर है बेसिकली उसमें उसमें उनको हेल्प करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं कि एज अ पैरासाइट वो रह सके किसी की बॉडी में या किसी को होस्ट बना सके राइट right? तो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट रहते हैं सो so दैट वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलें कि इंटस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे वो स्टिक रह सके उस इंटस्टाइन में तो उनके पास हुक्स एंड सकर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं देर पैरासेटिक फॉर्म ठीक है तो स्टेटमेंट टू गेवन है कि हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासेटिक फॉर्म्स ऑफ फ्लैट फॉर्म तो यह करेक्ट है एंड स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है कि ये मोस्टली एंडो पैरासाइड्स होते हैं और कुछ एनिमल्स में मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ठीक है ऑप्शन देखते हैं ए गिवन स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट तो ए करेक्ट जा रहा है बी गिवन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज इनकर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा सी में स्टेटमेंट वन को इनकरेक्ट बता दिया है सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा डी में दोनों को इनकरेक्ट बता दिया ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन ए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इलेवेंथ की न्यू एन में पेज नंबर फोर्टी पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है